हेलो गाइस, बाय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया कराड़िया फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम अध्ययन करेंगे मानव पाचन तंत्र की। मानव पाचन तंत्र को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां। आहार नाल के विभिन्न भाग है मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और गुदा द्वार। मुख गुहा जो सबसे पहले स्ट्रक्चर है जहां से भोजन का पाचन शुरू होता है, ये मुख गुहा आपके सामने है। और इस मुख गुहा में अपर लिप्स और लोअर लिप्स जो है संरचनाएं पाई जाती है, जिससे कि जिसके बीच में एक मांसल संरचना जीभ पाई जाती है। यह जिभ्या जो है अपर लिप्स लोअर लिप्स के द्वारा घिरी होती है। और कठोर संरचनाएं दांत पाए जाते हैं बकल कैविटी में, जो भोजन को चबाने कुतरने का काम करते हैं। इस तरह से भोजन के बड़े घटकों को छोटे घटकों में बांट दिया जाता है। बकल कैविटी से भोजन में लार्य एमाइलेज लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित कर दिया जाता है। लार ग्रंथि जो कि लार्य एमाइलेज का सिक्रेशन करती है, भोजन को लसलसा बनाती है और भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। ये लार ग्रंथि जो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इस लार ग्रंथि के द्वारा भोजन को लसलसा बना दिया जाता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दिया जाता है और यहाँ पर मुख में एंटीसेप्टिक का ही कार्य करता है। इस तरह से भोजन लुब्धि के रूप में घाटी द्वार यहाँ पर उपस्थित है। इसके आगे यहाँ पर ये श्वास नली है और श्वास नली के साइड में आपकी भोजन नली जो जा रही है, यहाँ से लुब्धि के रूप में भोजन ग्रसनी और ग्रसिका से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। ये आमाशय आप देख रहे हो और आमाशय के राइट हैंड साइड में लीवर एक संरचना होती है जो भूरे रंग की होती है, जिससे बाइल जूस निकलते हैं और भोजन में मिलाए जाते हैं। आमाशय जो स्ट्रक्चर होती है, ये भोजन एक थैलीनुमा संरचना में आमाशय में जाता है ग्रसनी और ग्रसिका से होते हुए। और ग्रसिका में भोजन में किसी प्रकार का कोई पाचन रस नहीं मिलता है। इस तरह से ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता और आमाशय में जैसे ही भोजन आता है गैस्ट्रिक जूस इसमें मिला दिए जाते हैं और भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। HCl आमाशय में आकर के यहाँ पर मिलाए जाते हैं। लीवर से लीवर जूस जो है भोजन में मिलाए जाते हैं। ये लीवर जूस पित्ताशय नामक रचना में एकत्रित होते हैं और एक जैसे ही आमाशय के अंदर भोजन पहुंचता है, इसके नीचे एक अग्न्याशय नामक ग्रंथि पाई जाती है। यह अग्न्याशय से अग्न्याशय रस भोजन में मिलाती है और इस तरह से भोजन आमाशय में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स का पाचन शुरू हो जाता है। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन आमाशय में नहीं होता है। यहां से आमाशय से भोजन आगे छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में जो कि घुमावदार नलिका होती है और इस घुमावदार नलिका की लंबाई होती है 22 फीट, लगभग 22 फीट की नलिका होती है ये छोटी आंत्र मांसल संरचना। और इस छोटी आंत्र के अंदर जो है इसका व्यास कम होता है और सूक्ष्म अंकुर इसमें पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई हम जिसको कहते हैं, जो कि सतही क्षेत्रफल बड़ा रहते हैं और भोजन के अवशोषण में सहयोग करते हैं। छोटी आंत्र भी तीन भागों से मिलकर के बनी होती है, ड्यूओडेनम। ये छोटी आंत्र आप देख रहे हो, इस छोटी आंत्र के अंदर भी ड्यूओडेनम, जेजुनम, ईलियम तीन भाग होते हैं। और जो ड्यूओडेनम होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है लगभग। इसके बाद जेजुनम होती है जिसमें भोजन का पाचन और अवशोषण विशेषकर होता है, आंत्रीय रस का श्रवण भी यहाँ होता है। ईलियम जो भाग होता है छोटी आंत्र का, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका पाचन इस छोटी आंत्र में विशेष रूप से होता है। संपूर्ण पाचन छोटी आंत्र में कर दिया जाता है। इसके बाद जो है अर्धपचित भोजन बड़ी आंत्र में प्रवेश करता है और बड़ी आंत्र में प्रवेश करने से पहले छोटी आंत्र के अंदर बहुत सारे इसमें जो है एंजाइम्स मिलाए जाते हैं और एंजाइम्स के कारण माल्टोज है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। माल्टेज एंजाइम द्वारा सुक्रोज जो है सुक्रेज एंजाइम के द्वारा छोटी आंत्र में ही ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल जाता है। लैक्टेज एंजाइम जो है दूध की शर्करा को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदल देता है। इसी तरह से वसा
लाइपेज एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में ही वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल दी जाती है। संपूर्ण लगभग संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही पूरा हो जाता है। बड़ी आंत में जो है अपचित भोजन जैसे ही जाता है यहाँ पर केवल जल का अवशोषण होता है, यहाँ कोई सूक्ष्म अंकुर नहीं होते हैं। बड़ी आंत का जो कोलन और सीकम भाग है, कोलन भाग में सूक्ष्म अंकुर नहीं होते, वो ब्लड सेल्स पाई जाती है, और जो सीकम भाग होता है लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, और इसके अंतिम सिरे पर एक क्रमिरूपी परिशेषिका पाई जाती है जिसको अपेंडिक्स हम बोलते हैं। इसके बाद भोजन मलाशय में जाकर एकत्रित होकर होता है और गुदा द्वार से यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है। ये पाचन की क्रिया छोटी आंत तक ही संपूर्ण रूप से हो जाती है। बड़ी आंत के हिस्से में कोई किसी तरह का पाचन नहीं होता है, केवल जल खनिज औषधियों का अवशोषण यहाँ पर होता है। बड़ी आंत के अंदर केवल म्यूकस का सिक्रेशन होता है। इस तरह से एक बार फिर से मैं इस आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम आपको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और एनस, और संबंधित ग्रंथियां हैं लीवर, अग्नाशय। इस तरह से आप कंप्लीट मानव पाचन तंत्र का जो है अध्ययन कीजिए, और नए वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।